वर्जीनिया में एक टेक ग्रेजुएट को 25 साल से भी ज्यादा अरसा कब स्कूल में वॉलीबॉल खेलते हुए खो जाने वाली इसकी अंगूठी दोबारा मिल गई। जॉन लिशेंस्की नामी टेक ग्रेजुएट ने बताया कि मैं 25 साल कबल अपने स्कूल में वॉलीबॉल खेल रहा था जब मेरी अंगूठी गुम हो गई थी। खेल से कबल मैंने अपनी सैंडल, कमीज, घड़ी और अंगूठी मखसूस जगह पर रखी थी ताकि मैं आसानी से खेल सकूं। लिशेंस्की ने बताया कि जब खेल खत्म हुआ तो मैं अपनी चीजें इकट्ठी करने चला गया जहां मैंने देखा कि अंगूठी गायब थी, जिसके बाद मैंने और मेरे दोस्तों ने सारी जगह तलाश की लेकिन हम नाकाम रहे। नाकामी के बाद मैंने ये सोचा कि शायद ये चोरी हो गई होगी। स्कूल इंतजामिया ने बताया कि अमला जनवरी में वॉलीबॉल कोर्ट की निकासी की मरम्मत का काम कर रहा था जब एक मुलाजिम ने गंदगी में एक चमकदार चीज देखी, जिसे बाहर निकाल कर साफ करके देखा तो वो अंगूठी थी। नौ ब्याहते जोड़े ने महंगाई और खर्चों से बचने के लिए अपनी शादी पर मेहमानों को खाने के बाद ड्रिंक्स देने से इनकार कर दिया। दुनिया भर में बढ़ती महंगाई के बायस शादी के अखराजात कम करने के लिए जोड़े ने यह फैसला किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अपनी शादी के अखराजात उठाने वाले एक जोड़े ने पैसे बचाने के लिए शादी में आने वाले मेहमानों को मशरूबात की बजाय सिर्फ पानी से गुजारा कराया। जोड़े ने महंगाई की वजह से शादी में शराब के साथ साथ दीगर मशरूबात को मेन्यू से निकालने का फैसला किया। अमेरिका में एक चैंपियन स्केटबोर्डर ने 9000 फीट से जायद की बुलंदी पर जाकर हवाई जहाज से ग्रैंड करतब दिखाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बना ली। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के 29 रिहायशी लेटेशिया बुफोंसी 130 तैयारे की मदद से 9022 फीट की बुलंदी पर पहुंचकर पैराशूट बांधा और जहाज के पिछले खारजी रास्ते पर नसब बाहर निकलते पाइप पर फेलिंग ग्रैंड करतब दिखाकर छलांग लगा दी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से लेटेशिया के बुलंद तरीन मकाम पर स्केटबोर्डर का करतब दिखाने के रिकॉर्ड की तस्दीक कर दी गई है।